और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात करते हैं दिल्ली में मंदिर हटाने पर महासंग्राम की। दिल्ली के द्वारका में शिव मंदिर को टूटने से बचाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर गुस्साए लोगों ने वहीं मंदिर तोड़ने पहुंची डीडीए की टीम का जमकर विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी आस्था पर वार हुआ तो वो इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उस पर कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात। हमें पता चल जाएगा, हम उसी इंसान से बात करेंगे जाके, बट मंदिर नहीं हटेगा। 18,000 लोगों के लिए एक ये मंदिर है और वही हटा दें, हम नहीं हटने देंगे। हम यहाँ पे नहीं हटने देंगे। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 की हैं, जहां मंदिर को टूटने से बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इलाके के लोगों ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में मंदिर को टूटने नहीं देंगे। जिस जगह ये लोग जमा हैं, वहां प्राचीन पीपल वाला शिव मंदिर है, जिसे तोड़ने के लिए डीडीए की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी आस्था पर हमला हुआ तो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मंदिर को, हमारी आस्थाओं को कोई चोट ना पहुंचाए और जो है जैसे मंदिर चल रहा है वैसे चलना चाहिए। उसको कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। ये मंदिर द्वारका सेक्टर 6 की मिनी मार्केट में है, जो यहाँ 20 साल से ज्यादा वक्त से मौजूद है। ये मंदिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ है, जिससे इलाके के 28,000 से ज्यादा लोगों की आस्था जुड़ी है। 5x5 का मंदिर नहीं है ये, पेड़ के नीचे रखा हुआ है और इससे ऑब्जेक्शन हो रखी है लोगों को। और जो रोडों पे 50-50, 100-100 गज घेर रखा है नारियल पानी वालों ने, वो कहीं नहीं है। उसका कोई क्लेम नहीं कर रहा, उसको कोई नहीं हटा रहा। एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, उसका भी कुछ नहीं है। मगर यहाँ एक मंदिर के 4 मूर्तियां रखी है, उसको हटाना है। क्यों हटाना है? यहाँ पे करीबन 18,000 लोगों के लिए एक ये मंदिर है और वही हटा दें, हम नहीं हटने देंगे। हम यहाँ पे नहीं हटने देंगे। यही वजह है कि जब डीडीए की टीम दिल्ली पुलिस के साथ मंदिर तोड़ने पहुंची तो उन्हें नाराज लोगों का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस मौके पर है, वहीं डीडीए की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और जो लोग हैं, लोग इस मंदिर को बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या कहेंगी मंदिर को लेकर? मंदिर हम लोगों की बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम लोग मंदिर को नहीं हटने देंगे किसी भी कीमत पे। हमें कुछ भी करना पड़ेगा, मंदिर नहीं हटेगा। मंदिर से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मंदिर यहाँ सब लोग पूजा करने आते हैं, सभी आसपास की सोसाइटियों में पूजा होती है इस मंदिर से। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर किसकी शिकायत पर मंदिर तोड़ने का फैसला लिया गया? आखिर किसे मंदिर से परेशानी हो रही है? आखिर कौन है वो लोग जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं? पर्सनली किसी ने जाके जो पता लगा है, कंप्लेंट की है, वो सामने आए और बताए कि क्या आपत्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मंदिर की एक ईंट हम टूटने नहीं देंगे। जय श्री राम। इलाके के लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इस मंदिर को घेर रखा है और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि डीडीए की टीम इस मंदिर को तोड़ेगी या फिर ये लोग इस मंदिर को बचा पाएंगे। दिल्ली से जी मीडिया।